पंजाब दे यूटी मुलाजिम पेंशनर सांझा फ्रंट वालों चंडीगढ़ के सैक्टर 39 विखे अनाज मंडी दे विच प्रदर्शन किया गया, जिस दे विच हजारां दे गिणती दे विच कर्मचारियों ने हिस्सा लिया ते पंजाब सरकार के खिलाफ चमके नारेबाजी की। इस दरमियान मुजाहराकारियों का कहना है कि उन्हां दी काफ़ी लंबे वक्त तो मंगा अधूरियां पईयां होईयां हन ते सरकार उन्हां वल कोई ध्यान नहीं दे रही। बहुता बार सरकार नाल गलबात की गई लेकिन आश्वासन तो बाद कुछ नहीं मिले ते हुण उन्हां वल्लों रोस मुजाहरा उदों ही खत्म किया जाएगा जदों उन्हां दीआं मंगां वल सरकार गौर करेगी। इस संबंध विच पंजाब दे सीएम दे ओएसडी संदीप नाल भी एम्पलॉई यूनियन वल्लों बैठक की गई ते उन्हां ने दस्सिया कि मीटिंग दे विच 20 सितंबर नूं मुख्यमंत्री पंजाब वल्लों कार्रवाई की जा सकती है। इस गल दा आश्वासन दिता गया है ते उदों ही उन्हां वल्लों किया जा रहा रोस मुजाहरा भी खत्म होएगा। जरूर सोमवार की जी मीटिंग फिक्स हो गई है। सो इवें मैं दसना चाहवागा कि पहले जी ऑफर लैके आए थे वो लैके आए थी कैबिनेट सब कमेटी का। सो मेरे वालों उन्होंने दसाया गया कैबिनेट सब कमेटी समय वजूद नहीं हैगी भुलेखा, क्योंकि उन्हें जी पे कमीशन की रिपोर्ट देती सी पे कमीशन की रिपोर्ट नहीं प्रवान की जाएगी। सो स्टेज पर उन्होंने सीएम साहब ने गल करके पॉइंट तो देखो 17-18 पॉइंट है जी पे कमीशन त्रुटियां कह लो पे कमीशन ने लंगड़ा दिता उन्होंने जरा सोध के लागू किया जाए, कच्चे मुलाजमान पक्के किया जाए, तो जे पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, 15-15 की लैटर वापस की जाए, जे अनुसार जेड़े प्रवेशन 3 साल 2 साल करके पूरी तनखाह दी जाए, सेंटर का पे कमीशन है जोड़ा वो जरा वापस किया जाए, जड़िया तनखाह रिवाइज नहीं हुई 2011 अनरिवाइज रह गया उन्होंने रिवाइज किया जाए, 200 रुपया जजिया टैक्स वो जरा बंद किया जाए। सो यह जड़िया होर भी बहुत सारिया मंगा है जो मंग पत्र देखो जो 100-150 के करीब जथेबंदियां है फ्रंट के इस समय ज कह लो भी 70-80% जोड़ा मुलाजम फ्रंट के झंडे हेठ जोड़ा वो अपने जो संघर्षशील है। देखो ये 18 कन्वीनर है, सो साड़ी कमेटी ने गल की है शायद 11 की हुई है या 16 की हुई है, इन्होंने जो जाएगा वो खुद 11 या 16 का जाएगा। बिल्कुल सही गल है जी, मीटिंग जी सीएम साहब ने हम पहली हो रही है। सो इस टन्यूर के पहले सीएम साहब ने मीटिंग नहीं हुई सी, आस करते हैं भी जो कैबिनेट सब कमेटी ने नहीं दिता हूँ उस सरकार का मुखिया जिन्हें साड़ी मीटिंग होने जा रही है वो तो कुछ ना कुछ मुलाजमान के पल्ले जरूर पाए। नाल ही दस दईए कि पंजाब दे यूटी मुलाजम पेंशनर सांझा फ्रंट यूनियन वालों सीएम दी कोठी दा घेराव कीते जाण दी गल कही गई सी, उस नूं फिलहाल टाल दिता गया ते हुण 20 सितंबर दी बैठक च की कुछ निकल के सामने आंदा है, क्योंकि मुजाहराकारियां वालों कहा गया है कि जेकर उन्हां दी गलबात सिरे ना चढ़दी है ते उह अगला एक्शन प्लान करन दी तैयारी दे विच हन। जगवाणी टीवी लई चंडीगढ़ तों भगवत सिंह दी रिपोर्ट। पंजाब में बिजली का संकट है, बिजली के कट भी लग रहे हैं, बिजली के रेट भी बढ़ गए हैं, बिल भी बहुत वड्डे आने लग गए हैं। श्रोमणी अकाली दल के सरकार के दौरान असी 24 घंटे बिजली देंदे सी ते एससी ते बीसी भाईचारे 200 यूनिट हर महीने हर बिल विच मुफ्त देंदे सी। अज मैं सारे पंजाबियों नूं वादा करदा उन्हां दे घरां दे 400 यूनिट हर महीने साडी श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी की आने वाली सरकार उन्होंने मुफ्त दूगी। 2 महीने का बिल का मतलब 800 यूनिट हर 2 महीने जो बिल आया करूँगा वो मुफ्त होंगे, आ साडा वादा थोड़े नाल।